हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने जा रही हूँ। जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ने नई नियोजन नीति बनाई थी तो उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। अब चलिए बताते हैं कि इसमें रद्द करने के पीछे के रीजन क्या थे। आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या बोला गया है हाईकोर्ट में, तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिक इंटर जो मैंडेटरी था उसे कर दिया गया है कैंसिल, और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने की बात आ रही थी तो यहाँ पे लैंग्वेज भी कर दिया गया है चेंज। तो इससे चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है, यह सारी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में देने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। और चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो याचिका में यह कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से JSSC नियुक्ति के लिए नई संशोधित नियमावली बनाई गई है। नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने झारखंड के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को सूची से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट इंग्लिश को चूज करते थे, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हिंदी को चूज करते थे और इस तरीके से वो क्वालिफाइड कर जाते थे। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को ही हटा दिया गया है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। वहीं अन्य उर्दू और उड़िया और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। झारखंड के संस्थान से पास होने की अर्हता सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को इससे छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि झारखंड संस्थान से मैट्रिक इंटर पास होने की जो अर्हता है वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। तो ये जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अन्याय कर रही है, ये किसी को न्याय नहीं दिला रही है। तो इसके खिलाफ हम खड़ा होना ही होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि याचिका में यह भी कहा गया है कि नियमावली संविधान की मूल भावना के विपरीत है और समानता का अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड के निवासी होते हुए भी राज्य से बाहर पढ़े हैं, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है, इसलिए नई नियमावली को निरस्त किया जाए। तो यहाँ पे ये जो प्वाइंट है वो बिल्कुल सही बोली जा रही है। यानी कि जो लोग झारखंड के निवासी हैं और अदर स्टेट में जाके उन्होंने अपना मैट्रिक और इंटर पास किया है तो उन्हें भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी के द्वारा नई नियमावली के तहत जारी किसी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं गई है जिसमें प्रार्थी संबंधित नियमावली से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर प्रार्थी चाहे तो वर्तमान याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दाखिल कर सकता है, लेकिन प्रार्थी की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है। इसको अदालत ने स्वीकार लिया। मामले की अगली सुनवाई होने वाली है 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार हर्ष कुशल कुमार सहित अन्य अधिवक्ता ने पक्ष रखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इसकी नेक्स्ट अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगी।